रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुसाना अख्तर और सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ वो है स्पेशल मंदी रेसिपी, मंदी चटनी। तो उसमें जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट डलेंगे, ये मैंने चार जो है दरमियाने साइज के जो है टमाटर लिए, और टमाटर जो है रेड कलर के होने चाहिए, इससे बहुत मज़े की चटनी बनती है। और ये जो है हाफ बन जो है ये हरे धनिया का ले लिया है, और एक दरमियानी साइज़ की जो है बल्कि छोटी प्याज जो है इसको इस तरह से चॉप कर लिया है, और छह ये लहसुन के जवे इसमें डलेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन से। और चार मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ज़रा स्पाइसी सी बनेगी, इससे बहुत मज़ेदार सी चटनी। और एक जो है नींबू का जूस मैं इसमें डालूँगी, और ये जो है क्वार्टर टेबल स्पून जो है मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। आपको पता है कि अजवाइन से खाना बहुत अच्छा हज़म होता है, इसलिए मैं ये ज़रूर डालती हूँ। और जो है क्वार्टर ही जो है ये काला ज़ीरा डालूँगी, और क्वार्टर ही वाइट वाला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डलेगा इसमें। और काली मिर्च डलेगी हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम, और ये काला नमक डालूँगी मैं, काला नमक से भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। ये भी जो है हाफ टेबल स्पून काला नमक है, और ये बहुत ही मज़े की जो है हम मंदी चटनी तैयार करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये चटनी जो है इसको ज़रा बारीक नहीं करेंगे, दरदरा सा पीसेंगे इसको, आप ग्राइंडर में या चॉपर में जिसमें भी पीसेंगे आप, तो इसको दरदरा सा रखिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। तो चलें फिर बनाते हैं। अच्छा जी, देखें ये ज़बरदस्ती डिलीशियस सी हमारी मंदी चटनी जो है तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनी है। तो इसमें जो है इस तरह होना चाहिए, थोड़ा दरदरा सा इसको पीसते हैं ऐसे, जैसे ये टमाटर के चंक्स इसमें नज़र आने चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं कर लेते हैं इसको। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और जो है आप ऐसा शेयर करें कि तो कोई भी परेशानी हो रिस्क में, बरकत के लिए, दराजी उम्र के लिए, या किसी भी वबाई अमराज से बचने के लिए कोई बंदा जो है वो ज़रूर रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ा करें, चाहे हर नमाज के बाद आप जो है 20 दफ़ा पढ़ लीजिए। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए।